इस क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर और उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखना है। तो उस हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर क्या है वो आपसे पूछा गया है। दूसरा, ये जो सॉलिड बनेगा क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखने के बाद जो ये कंबाइंड सॉलिड बनेगा इसका सरफेस एरिया क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मैं क्यूब बनाता हूं, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। इस क्यूब का जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखे जाना है। हेमिस्फीयर ड्रॉ करते हैं। ये है वो हेमिस्फीयर है जो इस क्यूब के ऊपर रखा जाना है। हमसे पूछा गया है कि इस हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा। देखिए, जो लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर हो सकता है इस हेमिस्फीयर का वो होगा इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, ठीक, और वो है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब और ये है 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा, डायमीटर इस हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की रेडियस जिसे मैं आर से डिनोट करता हूं ये होगी 7/2 सेंटीमीटर जो कि डायमीटर की आधी होती है। और क्यूब की साइड है जिसे मैं एल लेटर से डिनोट करता हूं ये होगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है और अब इनके ऊपर बेस्ड हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। इस सॉलिड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे सरफेस एरिया को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा, तीन पोर्शंस में बनाऊंगा, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक क्यूब है और आपको पता है कि एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस एक स्क्वायर फेस होता है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि एक क्यूब के पास 6 स्क्वायर सरफेसेस होते हैं। इसीलिए क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 6 टाइम L² होता है। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो क्यूब का टॉप फेस है, टॉप सरफेस है, इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन इस हेमिस्फीयर से कवर्ड है। तो अभी मैं इसे कंसिडर नहीं करता, मैं कंसिडर करता हूं क्यूब के बाकी बचे हुए 5 सरफेसेस को। तो एरिया 1 जिसे मैं A1 से डिनोट करूंगा, इसमें मैं कंसिडर करूंगा क्यूब के सिर्फ 5 सरफेसेस जिसे मैं बोलूंगा एरिया विदाउट टॉप और इसका फॉर्मूला होता है 5 टाइम्स ऑफ L² मतलब 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 7² क्योंकि क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ये बनता है 5 × 49 कैलकुलेट करने पे ये बनता है 245 सेंटीमीटर² तो इस तरह से क्यूब का सरफेस एरिया विदाउट टॉप मुझे मिला 245 सेंटीमीटर². अब एरिया 2 जिसे कहते हैं सेकेंड पोर्शन, उसमें मैं कंसिडर करूंगा टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब। अब टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब कैसे दिखता है, देखिए अगर मैं टॉप व्यू से देखूं यहां से, तो टॉप व्यू से मुझे कैसे दिखेगा क्यूब। क्यूब मुझे ऐसा दिखाई देगा, देखिए एक मुझे सबसे पहले दिखाई देगा एक स्क्वायर फेस, ये स्क्वायर फेस है क्यूब का टॉप फेस और ये सर्कुलर पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो हेमिस्फीयर का बेस है जिसने क्यूब के टॉप फेस को कवर किया हुआ है। तो ये तो कवर्ड पोर्शन है, जो अनकवर्ड पोर्शन है वो कौन सा है। अनकवर्ड पोर्शन जिसे मैं शेड करता हूं ये वाला है, ये 4 कॉर्नर्स के पास है और मुझे इसका एरिया चाहिए सेकेंड एरिया में। अब इसका एरिया क्या होगा,
एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, इसे मैं कंसिडर करूंगा ए टू से, ए टू अपन जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, देखिए इस स्क्वायर की साइड है 7 सेंटीमीटर और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 7/2 सेंटीमीटर, तो इस स्क्वायर का एरिया होगा 7 स्क्वायर और इस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब पाई 7/2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 49, 22/7, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, ये कैंसल्ड 11, ये आपको मिला 49 माइनस 77/2, दैट इज 49 माइनस 38.5। इस तरह से आपको सेकेंड एरिया मिला 49 माइनस 38.5 जो कि होता है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब के टॉप सरफेस का अनकवर्ड एरिया हो गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपने एरिया वन निकाला, एरिया वन में आपने सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाला विदाउट टॉप, ठीक है, और एरिया टू में आपने निकाला सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो कि अनकवर्ड है, ठीक है। अब तीसरा पोर्शन क्या रह गया, तीसरा पोर्शन रह गया सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और ये सरफेस कौन सा अवेलेबल है, जो कर्व सरफेस है, क्योंकि जो बॉटम है इसका जो बेस है हेमिस्फीयर का, ये जो ये एरिया है ये तो यहां इस क्यूब के सरफेस के साथ चिपका हुआ है। तो एरिया थ्री में मैं कंसिडर करूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 2πr², जहां पे r है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 2 × 22/7, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आपको पता है 7/2 है, तो आर स्क्वायर बन जाएगा 7/2 × 7/2, ये कैंसल्ड 7 इससे कैंसल्ड 2 11 टाइम, तो आपको एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जिसे आप बोलोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ये आपको मिलेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा है थर्ड पोर्शन, मतलब एरिया थ्री। तो हमें एरिया वन मिल चुका है, एरिया टू मिल चुका है और एरिया थ्री मिल चुका है। अब मुझे चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो कि इन तीनों एरियाज का एडिशन है। तो एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज नथिंग बट a1 + a2 + a3। ये एरिया वन था 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया टू था 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया थ्री था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने पे हमें मिलेगा ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया और सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आपको मिला 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।